तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बड़े होने चाहिए सबसे। राम राम लिखते, जब जब राम राम लिखते बहुत ही अच्छा लगता है, दल सेकंड फ्लो होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग जो है, कोई मेरा भाई हिमाचल से, कोई यवतमाल, कोई टोरंटो से, कोई हैदराबाद, कोई गंगानगर से हमारी वीडियो देखने लग रहे हैं। तो सब लोग नीचे लिख के बताते हैं, फैमिली टाइप सी लगती है। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो, लिख के बताया। बाकी मैं जो है हाल फिलहाल इस वीडियो को गुड़गांव से शूट करने लग रहा हूँ। मैंने अपनी लोकेशन बता दी। खैर गाइस, बात करें महिंद्रा थार रॉक्स का। कल एक रात को तड़कता भड़कता, देखिए इस जो हमारा आपकी बार टीजर आया ना, उसके बाद इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें जो हैं आप लोगों के दिमाग में बदलने वाली हैं। आज मैं आपको डिकोड करने वाला हूँ। वैसे तो देखिए, देखने में बहुत आम सा टीजर आप लोगों को लग रहा होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टीजर में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। खैर देखिए, अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, जो आपको सामने दिखने लग रहा है, दिस इज द टॉप मॉडल। और इसमें जो है वो छत आपको थोड़ी सी अजीब सी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाएंगे, सारी चीजें जो दिख रही हैं साइड में, इसमें 3D कैमरा जो है अब भी नहीं दिखाया इन लोगों ने। बहुत अलग अलग चीजें जो है महिंद्रा के दिमाग में चलने लग रही हैं। अभी भी देखिए, इस वाले टीजर में आपको 3D कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, बट जो इमेज आई थी उसमें 3D कैमरा था। क्या इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हमको देखने मिल रहे हैं, साइड में फुटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो छत है वो वैसी की वैसी है। एडास मॉडल जो है वो भी ऊपर यहाँ से हमको दिख जाता है। इसके बाद एक मिनट आवाज कम कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद आ जाता है भैया इंटीरियर। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, इंटीरियर सारा का सारा जो है। पर यहाँ पे जो ये तीन बटन है ना, ये जो है इस SUV के लिए सारा का सारा गेम बदल देंगे। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, जो सबसे पहले वाला बटन है, यानी कि अगर आप लोगों को इन्वर्टेड दिख रही होगी, मतलब सबसे उस तरह वाला जो बटन है वो है आपका वेंटिलेटेड सीट्स का। यहाँ से वेंटिलेटेड सीट्स कंफर्म हो जाती हैं। थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, ये पेचीदा लगा, रीजन बीइंग कि ऑफ रोडिंग गाड़ियों में वेंटिलेटेड सीट्स का इतना काम नहीं है। बट चलिए, मेरी पिछली वाली वीडियो में बोला था कि भैया लोग जी वैगन भी तो लेते हैं, वो भी ऑफ रोडिंग गाड़ी, डिफेंडर भी तो लेते हैं, वो भी ऑफ रोडिंग गाड़ी है। जी बिल्कुल लेते हैं, पर वो जो सेगमेंट है वो एकदम अलग है, करोड़ों की गाड़ियां हैं। तो चलिए ठीक है, मैं क्या बोलूँ, तो वेंटिलेटेड सीट्स मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर मैं रेत वेत में भर के आऊंगा तो जो सीट्स हैं वो पूरी की पूरी जो है खराब हो जाएंगी। बट ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट दे दी। बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ना 4x4 है, कुछ नहीं है, डिफरेंशियल लॉक है। गाइस, डिफरेंशियल लॉक एक एसयूवी का खेल बदल देते हैं सारा। अब आपको डिफरेंशियल लॉक एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंशियल लॉक। देखिए, यहाँ से अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो इधर आपको समझ में आ रही होगी, पीछे से मैंने एक चार्ट भी चला दिया। बेसिकली होता क्या है, डिफरेंशियल लॉक जो है एक ऐसा यंत्र होता है आपकी गाड़ी में जो कार के दोनों पहियों को समान गति में, यानी कि सेम स्पीड में घुमाने में मदद करता है। सामान्य स्थिति में कार का डिफरेंशियल सिस्टम दोनों पहियों को अलग अलग गति से घुमाने की अनुमति देता है ताकि कार मुड़ने में सक्षम हो। समझ रहे हो, मैंने बहुत सरल उसमें लिखा है कि जो आपकी गाड़ी है ये कभी उसकी अलग स्पीड भी देगा और कभी कभी जो है सेम स्पीड में भी घुमाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका, लेकिन जब गाड़ी को किसी कठिन या अस्तमल रास्ते से गुजरना पड़ता है, जैसे कि कीचड़, रेत या बर्फीली सतह, तो एक पहिया फिसल सकता है और दूसरे पहिए को पर्याप्त शक्ति नहीं मिलती, ठीक है। इस स्थिति में डिफरेंशियल लॉक का उपयोग किया जाता है। डिफरेंशियल लॉक ऑन करने पर डिफरेंशियल सिस्टम लॉक हो जाता है, जिससे दोनों पहियों को बराबर मात्रा में टॉर्क, यानी कि अपनी जो बल बोले हम लोग या फिर स्ट्रेंथ बोले, वो मिलती है, ठीक है। और वो एक समान गति से घूमते हैं, इससे गाड़ी को फिसलने वाली सतहों पर बेहतरीन ट्रैक्शन और नियंत्रण मिलता है। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंशियल लॉक का क्या सिस्टम है। बेसिकली अगर गाड़ी कहीं पर फंस जाती है, अटक जाती है, तो जितने भी पहिए हैं उनको सबको जो है सेम टॉर्क और वो मिलता है, जिससे जो गाड़ी है कहीं पे फंसे ना और मतलब आपकी जो है आसानी से निकल जाए। तो डिफरेंशियल लॉक जो है इसमें आने लग रहा है। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने बहुत कठिन हिंदी का उपयोग जो है वो कर लिया, इंग्लिश वाली जो अपनी ट्रांसलेशन है वो नीचे डाल दूंगा। तो यार, डिफरेंशियल लॉक सिंपल सी बात यह कि आपकी गाड़ी जो है फंसेगी नहीं। इस गाड़ी में डिफरेंशियल लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, रीजन बीइंग की बड़ी है, ऑफ रोडिंग पेस के लोग बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे थे, मैं भी उठा रहा था। तो कंपनी ने यहाँ पे सिंपल सा मुंह बंद कर दिया कि लो भाई, डिफरेंशियल लॉक दे दिया हम लोगों ने, अब जो है अब ज्यादा मत बोलना। तो खैर, वो चीज भी आ गई है। उसी के साथ साथ तीसरा फीचर जो है आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे हम लोग देखने मिल जाता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होगा, सामने से जो गाड़ी है ना, मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है आपकी, इसके पीछे मैं हूँ, तो जो क्रूज होगा मेरे, यानी मेरी जो गाड़ी में क्रूज होगा, वो इस गाड़ी की स्पीड से अपने आप अपनी जो क्रूज है उसको अडेप्ट करेगा, स्पीड अप डाउन करने वाला है। अब यूजुअली क्रूज कंट्रोल्स में होता क्या है, एक स्पीड पे चली जा रही गाड़ी भिड़ भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में गाड़ी की स्पीड जो है उसको पता लग गया सामने एक गाड़ी जा रही है XYZ, उसकी स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड जो है सेट करता रहेगा। यानी कि वो कम कर रही है स्पीड तो वो 80 से नीचे रहेगा, वैसे अगर आप लोगों ने टॉप स्पीड 85 ही रख रखे तो 85 रखेगा, बट कम ज्यादा जो है वो होती रहेगी, ठीक है। ये चीज जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में आ जाती है, मेरे को बीच में ट्रैक्शन जो है ना उसने काफी ज्यादा अट्रैक्शन दी है। मुझे थोड़ा डाउट है कि मैं आपको अच्छे से ट्रैक्शन का मतलब समझा पाया हूँ कि नहीं समझा पाया, बस
समझ जाओ गाड़ी जो फंसेगी नहीं, पहिए वही हैं जो वो निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। खैर ये सारी मजाक की बातें हैं, ये हमने डिस्प्ले देख ली थी, ये जो बीच का हम लोगों ने सारा का सारा सिस्टम ये भी देख लिया था, हरमन गार्डन के देख लिया, तो सीट का जो है नया डिजाइन हमारे सामने निकल के आया कि सीट जो है वो कैसी रहेंगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो भैया सीट जो है इसकी वेंटिलेटेड दी गई है पूरी की पूरी, जो आपकी ये कंधे वाला पार्ट होगा ना, इससे नीचे सारा का सारा वेंटिलेशन दे रखा है बढ़िया से, तो आप लोगों को बिल्कुल भी गर्मी सर्दी नहीं लगने वाली इस गाड़ी में। परफोरेटेड सीट्स हैं, नॉट परफोरेटेड एक्चुअली, बट अच्छी है, और गद्देदार सीट्स दी गई हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको सेगमेंट में। मेरे को ना देखो अब देखने में क्या लग रहा है कि इस गाड़ी में इस सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ दी गई है। अभी तक मैं क्या लग रहा था X3 वाली दी जाएगी, ये दी जाएगी, वो दी जाएगी, पर इसके आने के बाद ये चीज देखो, आप खुद देखो यार कितनी बड़ी सनरूफ थी, ठीक है। पूरी तो खैर इन्होंने खोली नहीं, यहां से वापस एक बार पीछे करता हूं, ये देखो बहुत बड़ी सनरूफ है यार, बहुत बड़ी सनरूफ दी गई है इसमें, जबरदस्त। खैर साइड में आपको जो लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पे देखने को, थर्ड रो का मेरे में थोड़ा सा अंदाजा बोल रहा था, अभी भी जो है थर्ड रो के बारे में कोई ऐसी खास जानकारी दिख नहीं रही यहाँ पे, हो सकती है शायद से थर्ड रो आ जाए बट वो कन्फर्म नहीं है। खैर उसके बाद यहाँ पे जो मीटर है, मीटर में हमें कुछ और देखने नहीं मिलता, ट्रिप ए माइलेज यहाँ पे भी नहीं मिल रही कहीं पे, एवरेज 82 किलोमीटर गाड़ी जो है चल चुकी है। इसी के साथ साथ इसमें ABS ऑफ उन्होंने समझा दिया था, एडास आने वाला है इसमें, ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो दे रखा है ऊपर, जो आपको ABS ऑफ की लाइट दिख रही है ना वो एडास के लिए, ठीक है। इसमें गाड़ी जो है इमरजेंसी में कोलिजन में अपने आप ब्रेक जो है वो लगा लेती है। इसी के साथ साथ माइलेज वगैरह जो है कुछ नहीं। हाँ यहाँ पे देखो नीचे अगर आपको दिख रहा होगा ना, जो ट्रैक्शन के बगल वाली एक लाइट है, उसके बगल वाली एक लाइट है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा दो गाड़ियां आपस में भिड़ने वाली हैं ऐसे करके, ठीक है। तो वो चीज जो है एडास अगेन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि एडास आने वाले। यार वैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया तो एडास तो आएगा ही। खैर ये रहा इसका फ्रंट, अब इस फ्रंट वाले में भी वापस से 360 कैमरा जो है वो टीज नहीं करा गया। क्या चाहते हो भैया, इसमें भी 360 नहीं है आपकी एक इमेज में, 360 इसमें नहीं है, कितने सारे मॉडल्स हैं, कमाल कर दिया। खैर यहाँ पे 360 नहीं दिख रहा होगा, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हमें दिखने लग रहे हैं, हेडलाइट है वो दिख रही है अपने को बढ़िया सी दे रखी है, नंबर 6697 छुपाते हैं यहाँ पे। जो बीच में है आपको कैमरा मिल रहा है ग्रिल पे, ये वापस अपना 3 जो एडास का मॉड्यूल है उसके लिए आपको देखने को मिलने वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट भैया कुछ नहीं था इसमें, पर मजा सा आ गया देख के कि डिफरेंशियल लॉक जो है इस गाड़ी में अब आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ एक मेरा भाई है, उनने कल मेरे से डाउट करा था कि भैया इसके बीच में हम्प होगा या प्लेन होगा, तो 99% चांसेस है कि प्लेन हो सकता है। हम्प मतलब थार में अपनी थ्री डोर में भी नहीं दिया, तो इसमें भी जो है हम्प नहीं मिलने वाला आपको, प्लेन सा ही रखेंगे इसको। और यार इतना ही था आज की वीडियो में, अगर और कोई टीजर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी बस इतना है कि मॉडल्स बहुत सारे थे। मैंने कल एक डिटेल वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको मॉडल्स के बारे में बताया था कि इसमें दो मॉडल्स आने वाले हैं, सिंगल पेन सनरूफ का, डबल पेन सनरूफ का, यानी कि पैनोरामिक सनरूफ का, तो वो सारी आपकी मर्जी है, आपको जाके अगर वो वीडियो देखनी हो देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे आएगी। तो गाइस विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि देखो छोटी सी वीडियो थी बट बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मेरे को अच्छा लगा डिफरेंशियल लॉक के बारे में समझाना आप लोगों को, जो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब मैं भी ना समझा पाया, बट लिख के बता दीजिएगा अगर आपको वैसे चाहिए तो, मैं एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दूंगा। एनीवेज गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा, और कहां से देख रहे हो उस वीडियो को लिख के बताइए भैया, कौन सी वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग कहां से कर रहे हैं। तो चलिए गाइस ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम लोग आपसे ऐसी और बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, राम राम और जय हिंद।